हेलो गाइस, मैं हूं सुमन। आप देख रहे हैं सुमन टेक्नो एंड सुमन टेक्नो का एक एक्साइटिंग वीडियो में आपको स्वागत करता हूं। गाइस, हमारे आज का एपिसोड है टॉप 10 अपकमिंग स्मार्टफोन जो कि अगस्त में लॉन्च होने वाले हैं। और गाइस, ऐसे तो दो या तीन फोन है जिसके लिए बहुत सारे लोग बहुत दिन से रुके हुए थे, तो ये वीडियो आप शुरू से लास्ट तक देखते रहिए। और गाइस, बीच में वीडियो को अच्छा लगा तो एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, हमारा जो पहला नंबर का फोन आता है वो गाइस उसके लिए बहुत सारे लोग बहुत दिन से रुके हुए थे, जो कि नोकिया का X6 है। बहुत दिन पहले चाइना में लॉन्च हो गया था और गाइस रिसेंटली जुलाई में ग्लोबली लॉन्च किया था। इंडिया में अगस्त की 3rd या 4th week को आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जो कि क्वालकॉम Snapdragon 636 के साथ आता है। 4GB 6GB दो होगा, 16+5 megapixel का डुअल रियर कैमरा देखने को मिलेगा। और गाइस, उसका जो बेस वेरिएंट होगा वो आपको लगभग 15,000 या 16,000 rupees में देखने को मिल जाएगा। गाइस, हमारा जो दूसरा नंबर पे फोन आता है उसके लिए भी बहुत सारे लोग रुके हुए हैं। और गाइस, वो है Xiaomi का Mi 8 Mi 8C एंड Mi 8 Explorer। और गाइस, जून में चाइना में लॉन्च हो गया था और गाइस जून में सबसे पॉपुलर फोन रहा था चाइना के अंदर। और गाइस, जुलाई में आने का स्ट्रांग रूमर्स था लेकिन गाइस जुलाई में नहीं आया, अगस्त में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और गाइस, यहाँ पे आपको क्वालकॉम का 710 चिपसेट देखने को मिलेगा, जो कि पहला स्मार्टफोन है जहां आपको Qualcomm Snapdragon 710 चिपसेट देखने को मिलेगा। 12+5 megapixel का डुअल रियर कैमरा, 20 megapixel फ्रंट कैमरा। और गाइस, उसका जो बेस ब्रांड है वो आपको 22,000 या 21,000 रुपीस में आपको यहां पे देखने को मिल जाएगा। गाइस, हमारा जो तीसरा नंबर पे फोन आता है वो है गाइस Moto One Power। और गाइस, जो काफी अच्छा फोन है, जुलाई में आने का स्ट्रांग रूमर्स था लेकिन नहीं आया, अगस्त की 1st week या 2nd week को मोटो ने 3rd week को अगस्त की एक लॉन्च इवेंट रखा है, हो सकता है वहां पे आपको मोटो वन फ्लावर लॉन्च कर सकता है। और गाइस, क्वालकॉम Snapdragon 636 के साथ आता है, 12+5 megapixel डुअल रियर कैमरा देखने को मिलेगा। और गाइस, जेहेतु यहाँ पे मोटो वन है, यहाँ पे आपको स्ट्रांग एंड्रॉइड यानी कि एंड्रॉइड वन देखने को मिलेगा। और गाइस, इसका जो बेस वेरियंट होगा वो आपको 24,000 rupees में देखने को मिल सकता है इंडिया में। और गाइस, हमारा जो चौथे नंबर पे जो फोन आता है वो गाइस Lenovo Z5। आप लोग तो सभी लोग जानते हो, जब Lenovo Z5 लॉन्च किया उसके पहले कुछ ही दिन पहले ऐसा टीशर्ट डाला था Lenovo ने जो सबको हाइप कर दिया था, जैसे कि 40 डेज या 30 डेज तक आपको चार्ज नहीं करने पड़ेगा, आपको ऑन स्क्रीन चार्ज रहेगा। तो खुदा पहाड़ निकला चूहा ऐसा ही कुछ व्यापार है, क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसे कुछ नहीं दिया गया है। यहाँ पे आपको Qualcomm Snapdragon 636 देखने को मिलेगा, मिड रेंज बजट सेगमेंट फोन है, 6GB दो वेरिएंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, 14,000 rupees में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जो कि बेस वेरिएंट है। उसके बाद जो फोन है उसके लिए भी बहुत सारे लोग बहुत दिन से रुके हुए हैं। और गाइस, वो भी Xiaomi का फोन है। आप लोग जानते ही हो, ग्लोबली लॉन्च किया है जुलाई में Mi A2 एंड Mi A2 Lite। और गाइस, उसके लिए भी बहुत सारे लोग रुके हुए हैं, इंडिया में आएगा, इंडिया में आ गया है, अगस्त की 8 तारीख को यहाँ पे बुकिंग शुरू हो जाएगा Amazon के ऊपर, आप वहां पे जाके बुक कर सकते हो। बहुत अच्छा फोन है, 12+20 megapixel का डुअल रियर कैमरा, सोनी की सेंसर देखने को मिलेगा, Qualcomm Snapdragon 660 देखने को मिलेगा, Android One होगा, 4GB 6GB दो वेरिएंट आएगा। और गाइस, इसका जो बेस वेरिएंट है वो आपको यहाँ पे 17,000 या 18,000 rupees में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, तो एक अच्छी बात है। गाइस, हमारा जो उसके बाद जो फोन आता है वो है गाइस Huawei का Nova 3 एंड Nova 3i। हालांकि जुलाई में लॉन्च कर दिया है इंडिया में, लेकिन गाइस जो सेल है वो गाइस यहाँ पे आपको अगस्त की 7 और 23 अगस्त की यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो की Nova 3i है वो आपको 77 अगस्त को, और जो Nova 3 है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा 23 अगस्त को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और गाइस, Nova 3i सबसे अच्छा क्रिन का 7910 चिपसेट देखने को मिलेगा, काफी अच्छा चिपसेट है, आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा मिड रेंज बजट सेगमेंट फोन के अंदर, आप वहां पे देख सकते हो। गाइस, उसके पहले जो फोन आता है वो है गाइस Honor Play। और गाइस, बहुत स्ट्रांग रूमर्स है कि यहाँ पे अगस्त में देखने को मिल जाएगा, लेकिन गाइस बहुत स्ट्रांग रूमर्स था जुलाई में देखने को मिलता था, लेकिन गाइस अगस्त में आपको 1st week को देखने को मिल जाएगा Honor का प्ले। किरिन का चिपसेट के साथ आएगा, किरिन 970 चिपसेट का आएगा, 4GB 6GB दो वेरिएंट होगा, यहाँ पे आपको 25,000 रुपीस में आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है Honor का प्ले।
गाइस उसके बाद जो फोन है वो है गाइस सैमसंग का गैलेक्सी नोट 9। बहुत स्ट्रॉन्ग रूमर्स है अगस्त में आएगा, अगस्त की 20 या 22 तारीख को यहाँ पे लॉन्च करेगा सैमसंग है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग रूमर्स है। और गाइस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 12 मेगापिक्सल का डुअल रियर कैमरा, 6GB 3 वेरियंट होगा। सबसे जो कम वेरियंट वो आपको यहाँ पे 70,000 रुपीज में आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। गाइस हमारा जो लास्ट फोन है वो है गाइस मोटो G6 प्लस। बहुत दिन पहले लॉन्च हो गया लेकिन गाइस इंडिया में नहीं लॉन्च किया गया है। लेकिन गाइस मोटो ने कुछ लीक्स एंड मोटो से कुछ ऑफिशियल पेज से कुछ लीक्स एंड रूमर्स आया है कि अगस्त की लास्ट वीक को आपको यहां पे देखने को मिल जाएगा मोटो का G6 प्लस, जो कि क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 630 में चिपसेट में आएगा। 4GB 6GB दो वेरिएंट होगा, 12+5 मेगापिक्सल का डुअल रियर कैमरा देखने को मिलेगा। और गाइस वो आपको यहां पे 25,000 रुपीज में देखने को मिल जाएगा। और गाइस ये था टॉप 10 स्मार्टफोन इंडिया में अगस्त में देखने को मिल सकता है। बहुत स्ट्रॉन्ग रूमर्स से ये टॉप 10 स्मार्टफोन आपको यहां पे देखने को मिलेगा। वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना। मैं डिस्क्रिप्शन में फोन को लिंक दिया हूं बा दे दूंगा, वहां पे जाकर फोन को बाय कर लेना क्योंकि चैनल को भी थोड़ा हेल्प हो जाएगा। और गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि मैं ऐसी वीडियो हर रोज लाता रहता हूं। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले फ्रेश वीडियो में, तब तक गुड बाय।